तो हे हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एक्सपर्ट इंटरनेट में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास फोर व्हीलर गाड़ी है गाइज, तो बहुत ही आसानी से किस तरीके से उसका टैक्स का वैधता क्या है, उसके टैक्स का वैधता है या समाप्त हो गया है, और उसका इंश्योरेंस कब तक एक्सपायर हो रहा है, उसकी गाड़ी के मालिक का क्या नाम है गाइज, उस गाड़ी के बारे में बिल्कुल सब कुछ आप चुटकियों में अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पता कर सकते हैं। चेक कैसे करना है, होता कैसे है, तो चलिए गाइज मेरे पास आया हुआ है कि उसका टैक्स कब पे करना है गाइज, यही देखना है कि उसके टैक्स का जो वैधता है कब समाप्त हो रही है उस गाड़ी का, वही हम चेक करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपके पास भी कोई फोर व्हीलर गाड़ी है, आप चेक करना चाहते हैं उसका टैक्स कब पे करना है, उसका इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है, तो सब कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में बताने और सिखाने वाला हूं। तो गाइज देखते रहिए आप हमारे इस पूरी वीडियो को, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए गाइज सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मेरे मोबाइल फ़ोन में ये गूगल स्टार्ट है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे 3 डॉट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको हमारे मोबाइल फ़ोन में। तो इस 3 डॉट पे हमको सिंपल कर देना है एक बार क्लिक। तो चलिए हम इस 3 डॉट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए हमने जैसे इस 3 डॉट पे क्लिक किया है, आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे से 3 नंबर पे आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट। तो सिंपल हमको कर देना है इस पर एक बार क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए डेस्कटॉप साइट में हमारा गूगल ओपन हो गया है। बस अब देखिए अब हम बहुत आसानी से किस तरीके से चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे करना है हमको जूम, और गाइज यहाँ पे एक वेबसाइट टाइप करना है आपको। गाइज आगे बढ़ने से पहले करना चाहते हैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अभी तक से आपने मेरे इस चैनल एक्सपर्ट इंटरनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे लाल कलर का बटन है, सिंपल एक बार दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी सारी वीडियो को बिना मिस किए देख पाएंगे। तो चलिए गाइज यहाँ पे अब देखिए सर्च बार में हमको टाइप कर देना है परिवहन सेवा। देखिए आप देख पा रहे होंगे हमने परिवहन सेवा टाइप कर दिया है, सिंपल हमको कर देना है सर्च। देखिए जैसे हमने सर्च किया यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट सामने शो हो रहे हैं। सिंपल हमको सबसे पहली जो साइट है इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है, parivahan.gov.in की वेबसाइट है ये, इस पर क्लिक करके हमको ओपन कर लेना है। देखिए जैसे हमने इसको ओपन किया तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ऑनलाइन सर्विसेज, तो हमको करना है इस पर ऑनलाइन सर्विसेज पे एक बार क्लिक। सिंपल हमने जैसे ही क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर सर्विसें शो हो रही हैं। तो गाइज आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तरीका और है चेक करने के लिए, तो चलिए मैं फटाक से उसी तरीक़ों को बता देता हूं। यहां से देखिए यहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पे देखिए एक जैसे हम ऑनलाइन सर्विसेज पे हमने क्लिक किया है यहाँ पर देख पा रहे होंगे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज भी यहाँ पर शो हो रही हैं, 2 नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज भी। तो यहाँ से व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज से चेक करना बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको कर देना है क्लिक। देखिए जैसे हमने क्लिक किया अभी देखिए यहाँ पे स्टेट चूज करने को बोल रहा है गाइस, यहाँ पे स्टेट चूज करने को बोल रहा है स्टेट, यहाँ पे कर देना है हमको बीच में क्लिक। आप जौन से भी स्टेट से बिलोंग करते हैं गाइज उस स्टेट को आप चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का चेक करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश पे जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए हमारे स्टेट का जो वेबसाइट है गाइज खुल करके आ जाएगी। लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टेट का वेबसाइट सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तरीका यही है बिल्कुल इसी तरीके से चेक होगा। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं। देखिए जैसे ये ओपन हो गया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइज यहाँ पे फिर सबसे नीचे यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज देखने को मिल रही हैं, लेकिन सबसे नीचे अदर लिंक का ऑप्शन यहाँ पे है, अदर लिंक्स देखिए सबसे नीचे। तो हम कर देना है हमको सिंपल इस पर एक बार क्लिक।
तो जैसे ही हमने इस पर एक बार क्लिक किया, आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे वाहन लिख करके आ गया है। तो उस तरीके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने जैसे ही वाहन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुल करके आ गई है। अब हमको क्या करना है गाइज, हमको अब आना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइड बार में, यहाँ साइड बार में 3 डॉट पे हमको कर देना है क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में देखने को मिल रहा होगा नो योर व्हीकल डिटेल्स। तो हमको नो योर व्हीकल डिटेल्स पे कर देना है क्लिक। तो चलिए हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे लिंक को अलाउ करने का ऑप्शन दे रहा है, तो हमको कर देना है ओके। तो जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फॉर्म है खुल करके आ गया है, जो यहाँ पे व्हीकल नंबर यहाँ पे डालने को बोल रहा है, उसके बाद से एक वेरिफिकेशन कोड। तो चलिए यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देते हैं, उसके बाद से वेरिफिकेशन कोड डाल करके सिंपल सर्च व्हीकल पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है मैंने दोनों को एंटर कर दिया सिंपल। अब यहाँ पे सर्च व्हीकल पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए सर्च हो रहा है। सर्च होने के बाद थोड़ी टाइम में रिजल्ट आ जाएगा, देखिए रिजल्ट बिल्कुल आ गया है सामने। यहाँ पे कुछ चीज़ें गाइज यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया है। अब जौन से कंपनी का गाड़ी है उस गाड़ी का नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे फिटनेस भी आप देख पा रहे होंगे, 7 अगस्त 2021 तक इसका फिटनेस है। उसके बाद से यहाँ पे किसका इंश्योरेंस यहाँ पे चल रहा है, टाटा का AIG का, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कौन सी गाड़ी है, डीजल या पेट्रोल। और इसके टैक्स का देखिए, जो हम चेक करना चाह रहे थे टैक्स इसका कब तक है, 31 जनवरी तक इसका टैक्स है। देखिए 31 जनवरी 2020 तक यहाँ पे टैक्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस गाड़ी की जितनी भी लगभग इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, सारा का सारा कुछ हम बहुत ही आसानी से चेक कर पाए हैं बस उस गाड़ी के नंबर से। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका